बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नशे का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। बड़कोट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 600 ग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक लंबे वक्त से नशे का कारोबार कर रहे थे और पुलिस को दोनों आरोपियों की काफी दिनों से तलाश भी थी। पुलिस नशे पर लगाम लगाने के दावे करती है, लेकिन पहाड़ों में लगातार बढ़ रहे तस्करी के मामले कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी नशे का ये काला कारोबार कैसे चल रहा है, एक बड़ा सवाल। तो पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थों के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन इन लोगों से पूछताछ भी कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दो लोग अपने मुंह पर रुमाल बांधकर खड़े हैं और जो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है पुलिस प्रशासन उसे दिखा रही है। थाना बड़कोट द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो ये लोग पंडित राह पे जो कि यमुनोत्री रोड पे पड़ता है, तो चेकिंग के दौरान एसओ साहब के निर्देश में टीम रही और एसओ जीआर दोनों की एक संयुक्त टीम के द्वारा ये दो लड़के जो अफीम के साथ पकड़े गए थे, इनका नाम सुरवीर सिंह जो बलजाड़ी का तथा दूसरा चैन सिंह जो कि चोपड़ा गांव के रहने वाले, 1 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम पकड़ी गई। इस भारी मात्रा में अफीम पकड़ी जाने के कारण इनसे गहन पूछताछ की